नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो निम्मी के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका दोस्तों देखिए जो पेपर है ये दोस्तों हम लोगों का दूसरा सेट है। मैंने दोस्तों पिछले साल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो आप लोगों का पेपर होगा उसमें दोस्तों 150 नंबर के पेपर होगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के फिटर ट्रेड हैं उनका, तो उनका दोस्तों देखिए टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 150 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन दो दो नंबर के रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो दोस्तों इसमें बताया गया कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे पूरा का पूरा करके आना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का ट्रेड थ्योरी कंप्लीट हो मतलब होगा। यहाँ पर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए जिस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है वह रहता है दोस्तों आप लोगों का ग्रेड फर्स्ट का। तो ग्रेड फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह हम लोगों को रहता है हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कम उसमें प्रसार के साथ उच्च ग्रेड का स्टील हम लोग प्रयोग करते हैं स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट। कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का हॉनिंग प्रोसेस। तो हॉनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि रोटेट और रेसिप्रोकल होता है ये। ठीक, प्रेस करित करता है। व्हाट इज द लैपिंग? लैपिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों लैपिंग जो होता है ये आपका रहता है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टूल का नाम बताना है, ये कौन सा टूल है? तो दोस्तों ये जो टूल आपको दिख रहा है ये आपका कहलाता है स्प्लिट बस या स्प्लिट बुश लैप। तो स्प्लिट बुश लैप यहाँ पर आपका पाँचवें का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि एक्स मार्कर का नाम बताना है, ये जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया इसका नाम बताना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों जो दूरी होती है ये आपका लेंथ यानी कि पूरी लंबाई कहलाती है। ठीक, साइन बार है, ये साइन बार के यहाँ पर दो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। एक्स भाग का नाम बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई थी और ये ऊपर जो दिया गया है तो ये दोस्तों आपका कहलाता है हाइट। तो हाइट ऑफ स्लिप गेज, तो स्लिप गेज का ये आपका हाइट है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है स्लिप गेज की ऊंचाई बताना है, तो ये जो दोस्तों स्लिप गेज की ऊंचाई है वो बताना है आपको। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 25 डिग्री दिया गया है और 42.26 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 42.26। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब भी ये दिया रहे तो ये आप लोग देख सकते हैं 42.426 है, तो यहाँ पर दो पे दशमलव लगा देंगे। आसान सी भाषा में समझिए कि यहाँ पर थीटा का मान हमेशा दिया रहेगा। थीटा का मान में दोस्तों यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ से लेकिन एंगल होना चाहिए यहाँ से, तो वहाँ पर आप लोग दो अंक पे दशमलव को यहाँ पे खिसका देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा जो भी दिया रहे। तो यहाँ पर 42.26 हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है? तो निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज में जिस ग्रेड का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका जीरो ग्रेड एक्यूरेसी। तो जीरो ग्रेड एक्यूरेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्ड अप साइज यूजिंग स्लिप गेज? स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? तो देखिए स्लिप गेज का उपयोग करने की जो विधि है वो आपका रहता है दोस्तों यहाँ पर व्रिंगिंग। ये आपका व्रिंगिंग का है, तो दसवें का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है,
करें व्हाट इज द फिनिशिंग ऑपरेशन या प्रोसेस कैरिड आउट द एब्रेसिव स्टिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? तो यह है दोस्तों आपका हनिंग प्रोसेस। ठीक, 11 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है? तो सबसे कठोर जो होता है दोस्तों में होता है डायमंड, यानी कि हीरा सबसे कठोर होता है सभी अपघर्षक पदार्थों में। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है इस यंत्र का नाम बताना है। तो ये जो यंत्र आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका कहलाता है हार्ट गेज विद स्लिप गेज होल्डर। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड इन जनरल वर्कशॉप। सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सामान्य कार्यशाला में जिस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है वह रहता है दोस्तों आपका ग्रेड 2 एक्यूरेसी का। ठीक, तो 14 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की ये कौन सी विधि दर्शाई गई है? तो देखिए ये चारों तरफ से पैक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पैक है कार्बोराइजिंग। ठीक, इसके अंदर रखा गया है बक्से के अंदर, तो ये पैक है तो पैक कार्बोराइजिंग हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील संघटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? तो स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की जो प्रक्रिया है वह है दोस्तों आपका नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पर 16 का दूसरा मतलब नॉर्मलाइजिंग चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो गर्म साल्ट बाथ में जो सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है वह रहता है आपका लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। उष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो वो रहता है दोस्तों आपका अनिलिंग। तो अनिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में फ्लेम हार्डनिंग का जो नुकसान होता है वो रहता है आपका कि नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटेलिक कोटेड डन बाय रोलिंग और ड्राइंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। बेस मेटल और मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के लिए द्वारा किए गए धातु कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो ये जो विधि है दोस्तों ये आपका कहलाता है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ की यूज्ड इफ द हब ऑफ पुल्ली हैज टू एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो कुंजी यूज किया जाता है वो रहता है फेदर की। यहाँ पर आपका 21 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो नॉर्मलाइजिंग हम लोग यूज करते हैं दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग करने का मेन पर्पज यही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो वो रहता है दोस्तों फेराइट। फेराइट में कार्बन 0% होता है। 24 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो आपको की दिखाया गया है ये वाला की, ये किस प्रकार का की है? तो ये जो की है दोस्तों ये आपका पैरेलल संक की का ये फिगर दिया गया है, तो ये पैरेलल संक की का हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनिलिंग। अनिलिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो अनिलिंग हम लोग किस लिए करते हैं? तो स्टील को नरम करने के लिए हम लोग अनिलिंग करते हैं, टू सॉफ्टन द स्टील, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है?
तो एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का जो नाम होता है वो रहता है आपका मार्टेनसाइट। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो ये प्रक्रिया होती है आपका हार्डनिंग का। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ टफनेस डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ चिमड़पन डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं, तो ये प्रभावित होते हैं दोस्तों बाय हार्डनिंग। हार्डनिंग के द्वारा इनको हम लोग यांत्रिक गुणों में सुधार कर सकते हैं स्ट्रेंथ चिमड़पन डक्टिलिटी को। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज। लिमिट गेज का नाम बताना है आपको, तो ये दोस्तों फिगर में जो लिमिट गेज दिखाया गया है ये किस प्रकार का लिमिट गेज है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज का फिगर दिया गया है। ठीक, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो रिंग गेज का उपयोग हम लोग करते हैं चेक शाफ्ट डायमीटर, डायमीटर चेक शाफ्ट का डायमीटर चेक करने के लिए ही हम लोग रिंग गेज का उपयोग करते हैं। तो बाहरी व्यास की जांच करने के लिए रिंग गेज का उपयोग करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, ये जो गेज आपको दिखाया गया है इस गेज का नाम बताना है, तो ये जो गेज है दोस्तों ये आपका कहलाता है टेपर रिंग गेज। तो यहाँ पर टेपर रिंग गेज करेक्ट आंसर होगा। इस गेज का नाम बताना है, तो ये जो गेज है दोस्तों ये आपका कहलाता है थ्रेड प्लग गेज। तो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द डबल रो रोलर बियरिंग इज यूज्ड। डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो करते हैं दोस्तों टू टेक हैवी रेडियल लोड, भारी रेडियल भार लेने के लिए ही हम लोग डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग, बियरिंग का नाम बताना है, तो ये जो दोस्तों बियरिंग है ये आपका कहलाता है नीडल बियरिंग। ठीक, तो नीडल बियरिंग आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क यक्स, यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों यक्स पार्ट, तो ये आपका कहलाता है दोस्तों यहाँ पर बाल सेपरेटिंग गेज। तो बाल सेपरेटिंग गेज का दोस्तों ये है, बाकी ये तो आपका बाल है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कास्ट आयरन का। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बियरिंग एक्सिस। किस बियरिंग में लोड बियरिंग अक्ष के पैरेलल समानांतर होता है, तो देखिए जिस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल या समानांतर होता है वह रहता है आपका थ्रस्ट बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग 37 का तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच बियरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जनरल। हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त होती है, तो ये रहता है दोस्तों आपका एल्युमिनियम मिश्र धातु। तो एल्युमिनियम मिश्र धातु यहाँ पर 38 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रेड थ्योरी कंप्लीट होता है, इसके बाद अब आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आएगा। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, वृत्त की परिधि का सूत्र बताना है। तो देखिए वृत्त का परिधि इक्वल होता है आपका 2πr। तो 39 के यहाँ पर देखिए 2πr कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर तीसरे में है, ये हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र πr² होता है। तो 40 के यहाँ पर देखिए πr² यहाँ पर दूसरे में दिख रहा है, तो πr² यहाँ पर ये आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी लाइन को ज्या कहेंगे या कॉर्ड, जिया नहीं यहाँ पर होगा, जीवा होगा। जिया मतलब होता है साइन, तो यहाँ पर साइन की बात नहीं, यहाँ पर कॉर्ड की बात कर रहा है, जीवा की बात। तो जीवा उसको कहते हैं दोस्तों जो हम लोगों का यहाँ पर रेखा है, सीधी रेखा यहाँ पर ए से बी तक, ये आपका जीवा कहलाएगा। 41 का यहाँ पर ए बी यहाँ पर देखिए दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस, किस प्रकार का यह है। तो देखिए एक तो ये एक प्रति यहाँ पर है, इसको इस तरफ बल लगाएंगे लेफ्ट साइड में और नीचे वाला का राइट साइड में फोर्स लगाएंगे, तो ये जो बीच का मटेरियल रहेगा ये कट जाएगा, यानी कि ये सीयर कर जाएगा।
तो यानी कि कर्तन प्रतिबल यानी कि सीयर स्ट्रेस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति की जो इकाई होती है दोस्तों, कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि विकृति की इकाई होती है डेल्टा एल बटे एल, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई लंबाई ऊपर कट जाएगा, मात्रा के मीटर मीटर दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, द थ्रेड ऑफ बॉयलर एप्लीकेशन शो इन द फिगर गिवन बिलो, इन चित्र में दिखाया गया बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है, तो ये किस प्रकार का हेड है? तो ये स्टीपल हेड है, ठीक। दूसरा है रिवेटेड ज्वाइंट इच ए, जो रिवेटेड ज्वाइंट होते हैं किस प्रकार के ज्वाइंट होते हैं? तो देखिए जो भी रिवेट ज्वाइंट होते हैं यह आपके होते हैं अर्ध अस्थाई ज्वाइंट, यानी कि सेमी परमानेंट ज्वाइंट होते हैं रिवेट। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट, इस रिवेट का आपको नाम बताना है। तो यह है दोस्तों आपका स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट होगा, ठीक। तो ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हालांकि ये काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, स्नैप हेड। अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच मटेरियल पाइप इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ड्रेनेज पाइप मटेरियल में हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह हमारा रहता है पीवीसी पाइप, यहाँ पर आपका पीवीसी पाइप करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ये पीवीसी पाइप हो गया। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड, निम्न में से किसको उपयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो जिसका प्रयोग पाइप के एक सिरे को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है वह आपका रहता है प्लग, ठीक। अब 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकोमोडेट्स फॉर पाइप इन ए पाइप फिटिंग, कौन सा पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित कर किया जा सकता है? तो वो रहता है दोस्तों आपका क्रॉस, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट। अब दोस्तों जिनको भी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये क्वेश्चन देखना है, ठीक, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देखना है, तो उनको दोस्तों क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना है। वहाँ पर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी लोगों का है, तो वहाँ से चेक कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग आगे का ये वीडियो देख पाएंगे। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल को मैंने अलग कर दिया ताकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।